पति का रहता है स्वास्थ्य खराब, मैं विकलांग, रोजगार का साधन नहीं, इसलिए कच्ची शराब उतारने का लाइसेंस दिलवा दी। विमला जाटव ग्राम खेराई ने मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में अपनी फरियाद सुनाते हुए कहा कि वो दोनों पैरों से विकलांग है, कोई बच्चा नहीं है। उसके पति विष्णु जाटव का लिवर खराब है जिनका कोटा में इलाज चल रहा है। परिवार के पालन पोषण का कोई साधन नहीं है, इसलिए मुझे कच्ची शराब उतारने का लाइसेंस दिलवा दें जिससे मैं परिवार का पालन पोषण कर सकूं। हम जो कह रहे हैं कि कच्ची दारू मंगा के बीच सकें पेट पालन कर सकूं मैं अपना। मेरे पास कोई नहीं है धंधा पानी, दोनों पैन से विकलांग हूँ। आटा पानी साग सब्जी आ सके मेरे घर में, पाल विवारा मेरा कोई नहीं है घर पे। कच्ची शराब कोई धंधा समझ में कैसे आया? अब आओ तो क्या करें, और हम तसला मजूरी कर नहीं पा रहे। आदमी मेरा थोड़ा बीमार है, गैस की बीमारी है, श्वास उठते नहीं आई। मैं कई बार आ चुकी, मेरी लोन वो नहीं दे रहे जहाँ पे, मैं कई बार परेशान हो गई। आके कच्ची शराब की सलाह कौन आपके पति ने दी? पति ने नहीं दी, वहीं से गांव के सरपंच बोले कि वैसे खेल लगे, मतलब आदमी के तुम जो, और आदमी बहुत से कर रहे हैं वहाँ पे। आपको कच्ची शराब बनाना आती है? बना वो नहीं है, मंगवा के जी, मंगवा रहे हैं ना वहाँ के आदमी, कर रहे हैं बहुत से। वहाँ से मंगवा दी जी? कपते थे पास है जो इतने अमोदा है वो जो इतने। तो आप कच्ची शराब का काम करना चाहते हैं? हाँ, अगला मेरे मुझे इतिक नहीं चाहिए बाबूजी, मेरा आटा पानी नमक मिर्ची घर में आते, पेट पालन इतिक कर रही हूँ मैं, तो इतिक कर दे मेरी। तो जिस सरपंच ने सलाह दी थी? नहीं, मुझे सरपंच मेरे पति ने कोई ने नहीं दी थी, तो बगल से बेच रहे हैं बहुत से आदमी। अच्छा, हाँ। तो अन्य कोई व्यापार नहीं सोचा आपने? अन्य व्यापार मैंने बहुत सोचे, मेरी नहीं सुनते हैं। मैं आती हूँ लोन बार कार्ड भी की सोची कि लोन निकाल के मैं कोई और धंधा वगैरह कर सकूँ, तो लोन मेरी नहीं दे रहे मुझे। कच्ची शराब के लिए हाँ, कि मेरी